शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो से मैं प्रोफेसर मनोज कुमार सक्सेना, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा स्कूल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, आपका स्वागत करता हूं। और मैं यहां उपस्थित हूं आज आपके साथ चर्चा करने के लिए प्रबंधन के नियम तथा कार्य। प्रबंधन शब्द का अर्थ है व्यवस्था करना। व्यवसाय एवं शैक्षिक संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय प्रबंधन वह शक्ति है जो भौतिक, मानवीय, वित्तीय एवं सैद्धांतिक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में शैक्षिक संगठन को अग्रसर करता है। प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष नियमों के पालन करने की आवश्यकता होती है। ये विशेष नियम हैं कार्यों का विभाजन, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, दिशा की एकता, आपसी हित के लिए व्यक्तिगत रुचि की अधीनता, पारिश्रमिक, प्राधिकरण की श्रृंखला, व्यवस्था, न्यायसम्मत, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, पहल करना, सहयोग की भावना। प्रबंधन के नियमों में कार्य का विभाजन एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार पूरे काम को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जैसे व्यक्ति के कौशल के अनुसार, यानी जो व्यक्ति जिस कौशल में निपुण है उसको उस कौशल के आधार पर ही कार्य दिया जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम कौशल के अनुसार कार्य नहीं देंगे तो स्थितियाँ ये बनेंगी कि वो व्यक्ति जिस कार्य में माहिर है, जिस कार्य में निपुण है, उस कार्य को अगर उसको नहीं दिया जाता है तो वो उस दूसरे कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर सकेगा। अतः व्यक्ति को कौशल के अनुसार कार्य दिए जाने चाहिए, उसकी श्रम शक्ति के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए कि कितना लेबर वो कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, उसके आधार पर उसको कार्य दिया जाना चाहिए। व्यक्ति के व्यावसायिक विकास का निर्माण, क्योंकि जो कार्यों का विभाजन है उससे उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो व्यावसायिक विकास है, वो उसके साथ साथ होता जाता है। उत्पादकता में वृद्धि के अनुसार कार्यबल विशेषज्ञता को बांटना चाहिए। तो दूसरा नियम आता है प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। प्राधिकरण का अर्थ है वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देकर इस कार्य को संपूर्ण करवाते हैं। और उत्तरदायित्व का अर्थ है कर्मचारी को अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह नहीं करेगा तो जो उसने उद्देश्य निर्धारित किए थे पूर्व में प्रबंधन ने, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेंगे। और यही चीज़ है वरिष्ठ अधिकारियों की कि वो उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि वो उस कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि उनमें कार्यों का बंटवारा करते हैं। अनुशासन, इस नियम के अनुसार कर्मचारियों को दूसरों के संबंध में उचित आचरण करना तथा दूसरों के अधिकार का सम्मान करना आदि आते हैं। सभी संगठनों के सुचारू संचालन के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति अनुशासित नहीं होंगे, यदि कर्मचारी अनुशासित नहीं होंगे, यदि अधिकारी अनुशासित नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे उद्देश्य हैं हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होना बहुत कठिन कार्य होगा। इसलिए अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधन का। आदेश की एकता, ये नियम बताता है कि प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को अपने उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए और वो केवल एक अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारी से आदेश प्राप्त होता है तो यह भ्रम और संघर्ष पैदा करने की संभावना को बढ़ाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी होता है, वो अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्यों का बंटवारा करता है ताकि जो कार्य किए जाने हैं वो कंसर्न कर्मचारी को वो कार्य दे ताकि वो अपने कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकें। और वह जो कर्मचारी है वो अपने अधिकारी के लिए ही जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल अपने अधिकारी के लिए ही होगा ताकि वो जो भी कार्य उसको दिया गया है वो कर सके। और जब स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि एक से अधिक अधिकारी किसी व्यक्ति को अगर वो आदेशित करते हैं तो उस स्थिति में ये होता है कि वो कर्मचारी पहले किसका कार्य करे। इसलिए कर्मचारी को हमेशा एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए और उसी अधिकारी के प्रति वो जवाबदेह हो। अतः आदेश की एकता प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। दिशा की एकता, सभी संबंधित गतिविधियों को एक समूह के तहत रखा जाना चाहिए, उनके लिए योजनाबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और वे एक प्रबंधक के नियंत्रण में
होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ भी होनी है, वो जो एक्टिविटीज़ एक तरीके की हैं, जो क्रियाएं एक तरीके की हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाना चाहिए और दूसरे तरीके की क्रियाओं को दूसरे तरीके से, ताकि वो जो संबंधित कर्मचारी हैं, जो संबंधित प्रबंधक हैं, वो उस कार्य को आसानी से कर सकें। व्यक्तिगत हितों का परित्याग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधन का, क्योंकि प्रबंधन में एक प्रबंधक को निश्चित रूप से व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि उसके सामने पूरा संगठन है, उसको अपने पूरे संगठन के ऊपर, संगठन के कार्यों को पूरा करना है, संगठन के जो उसने लक्ष्य बनाए हुए हैं, जो संगठन के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत हितों का परित्याग करना बहुत ज़रूरी है। अतः ये प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को, प्रबंधकों को अपने निजी विचारों को प्रबंधन से अलग रखना चाहिए, ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। पारिश्रमिक बहुत महत्वपूर्ण नियम है प्रबंधन का, पारिश्रमिक, क्योंकि जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो निश्चित रूप से किसी प्रतिफल के बदले में कार्य कर रहा है, उसको उसके जो भी वो कार्य कर रहा है उसके प्रतिफल उसको मिलना ही चाहिए, वो प्रतिफल उसका पारिश्रमिक होगा। और जो पारिश्रमिक है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी एक कर्मचारी के लिए, किसी भी एक अधिकारी के लिए, क्योंकि उसे निश्चित रूप से अपना जीविकोपार्जन करने के लिए वो सारे कार्य कर रहा है। जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं उनको पर्याप्त रूप से पारिश्रमिक मिलना चाहिए, क्योंकि यदि पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपना 100% जो योगदान है, 100% योगदान वो संगठन को नहीं दे पाएंगे। और अगर वो पारिश्रमिक पूर्ण रूप से मिलता है, उसको प्रतिफल प्रॉपर मिलता है, और ये एक अवप्रेरणा की तरह कार्य करता है, और ये निश्चित रूप से जो पारिश्रमिक है वो संगठन की उत्पादकता को बहुत प्रभावित करता है। यदि हम मान लें स्कूल की बात करते हैं, विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, अगर उनको हम पारिश्रमिक प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, उचित पारिश्रमिक उनको नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से वो उस कार्य को करने के लिए जो भी कार्य किया जाना है उस कार्य को वो पूरे मनोयोग से नहीं करेंगे, और जब पूरे मनोयोग से नहीं करेंगे तो जो हमारे उद्देश्य हैं निश्चित रूप से उन उद्देश्यों को प्राप्ति बहुत मुश्किल होगी। अतः ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है प्रबंधन का कि उचित पारिश्रमिक दिया जाए। प्राधिकरण की श्रृंखला की बात अगर हम करें तो प्राधिकरण का तात्पर्य है अधिकारी वर्ग से, और ये नियम बताता है कि प्रबंधन के अंतर्गत सभी स्तरों पर ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों की एक स्पष्ट रेखा होना चाहिए जो कि उनके क्रमों को दर्शाती है। यदि हमारा जो विद्यालय है उसका प्रबंधन में यदि हम कहीं एक हायरार्की फिक्स नहीं करेंगे, एक श्रृंखला नहीं बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करने की कोशिश करेगा, और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो ये एक भ्रम पैदा करने वाली स्थिति बनेगी, जो कि संगठन के लिए, जो कि विद्यालय के लिए, जो कि प्रबंधन के लिए एक बेहतर कार्य नहीं होगा। अतः प्रबंधन का एक नियम है कि प्राधिकरण की श्रृंखला जो है वो पहले से ही निर्धारित की जानी चाहिए। एक अन्य नियम है व्यवस्था, विद्यालय के संचालन को विभिन्न अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इस नियम के अनुसार प्रबंधन सामग्री व्यवस्था, कार्यस्थल में सुरक्षा और कार्य में दक्षता सुनिश्चित करता है, क्योंकि व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जब कभी भी किसी विद्यालय के बारे में हम बात करते हैं, किसी प्रबंध के बारे में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रबंधन हर चीज़ का किया जाएगा उस संगठन में, उस विद्यालय में, जहाँ की उसे सामग्री की व्यवस्था करनी है। सामग्री की व्यवस्था अगर विद्यालय है तो वहाँ उसको कॉपी किताबें चाहिए, वहाँ उसको वर्दियाँ चाहिए, वहाँ उसको जो विद्यालय के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चाहिए। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो विद्यालय में जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं, जो शिक्षक हैं वहाँ पर, जो 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 गैर शैक्षिक कर्मचारी हैं, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, और ये सब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो व्यवस्था नियम के अंतर्गत आती है। और अगर ऐसा सब कुछ होगा तो निश्चित रूप से कार्य में दक्षता बढ़ेगी। अतः व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण प्रबंधन का नियम है। न्याय सम्मत, इस नियम के अनुसार कर्मचारियों में से प्रेमपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय प्रबंधकों को उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। सभी कर्मचारियों पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। न्याय सम्मत की स्थिति में कोई भी विद्यालय संगठन है उसमें जो भी प्रबंधन है, प्रबंधन को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, उन सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, और उनको जो जिसके लिए जो ड्यू है वो दिया जाना चाहिए। और सभी कर्मचारियों पर, ऐसा ना हो कि हम कुछ कर्मचारियों पर तो विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेष कृपा बरत रहे हैं, और कुछ कर्मचारियों पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उससे स्थिति ये होगी जो प्रबंधन है वो प्रबंधन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा प्रबंधन को न्यायसम्मत होना चाहिए और इस नियम का हमेशा पालन करना चाहिए।
कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना व्यक्ति जितने लंबे समय तक एक ही जगह पर कार्य करेगा उसको निश्चित रूप से उस संगठन के साथ एक उसकी एफिलिएशन बनेगा, एक एफिनिटी बनेगी, उनके साथ एक संबंध बनेगा और वो बेहतर तरीके से कार्य करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब लंबे समय तक कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसके जो अनुभव हैं उस संगठन में, उस संगठन के बाहर के जो अनुभव हैं, वो निश्चित रूप से उस प्रबंध संगठन को आगे बढ़ाने में कार्य करेगा। एक प्रबंधन की सफलता उसके कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता पर आधारित होती है। एक लंबे समय तक स्थिर कर्मचारी अपने अनुभवों के आधार पर कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। पहल करना प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण नियम है, पहल करना, क्योंकि किसी भी कार्य में जो पहल करेगा वो निश्चित रूप से आगे जाएगा और यही प्रबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, पहल करना। जो ज़्यादा पहल कर सकता है, कर्मचारियों को प्रबंधन के प्रत्येक कार्य में पहल करनी चाहिए क्योंकि ये संगठन के लिए एक शक्ति का स्रोत है। साथ ही ये नए और बेहतर विचार प्रदान करता है क्योंकि इनिशिएट करना एक प्रबंधन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। किसी काम के लिए आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ के करें, जो पहले करेगा निश्चित रूप से वो पहले लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। तो पहल करना एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है प्रबंधन का। दूसरा नियम, सहयोग की भावना। किसी भी कार्य को करने में सहयोग जब तक नहीं होगा बहुत मुश्किल होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को लेकर आगे बढ़े। सहयोग की भावना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रबंधन के लिए, क्योंकि अगर सहयोग की भावना व्यक्तियों में नहीं है तो निश्चित रूप से सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, किसी को किसी के लिए मदद की आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर सब लोग अपना अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं और मिलके जो कॉमन काज के लिए हमें काम करना था, अगर हम मिलके करते तो हो सकता है और बेहतर तरीके से हमें उसको कार्य करने में मदद मिलती। तो सहयोग की भावना कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती है, सहयोग की भावना से परस्पर विश्वास और समझ के माहौल को विकसित करने में मदद मिलती है। अब अगर हम बात करें प्रबंधन के कार्यों की, तो प्रबंधन के कार्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। प्रबंधन के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें है नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय स्थापित करना, अभिप्रेरणा और नियंत्रण। जबकि प्रबंधन के सहायक कार्य हैं संप्रेषण, नवाचार, निर्णय और प्रतिनिधित्व। अगर हम प्रबंधन के प्रमुख कार्यों की बात करें तो पहली बात आती है नियोजन की। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, नियोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारा प्लानिंग सही नहीं होगी, नियोजन अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम जो हमारे उद्देश्य हैं उनको, उनकी ओर अग्रसर होना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसकी तरफ हमें अग्रसर होना। विद्यालय प्रबंधन में प्रथम कार्य है योजना बनाना, क्योंकि हम कोई भी कार्य अगर करें तो उसकी हमें योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें व्यवस्थित ढांचा बनाने के लिए लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। योजना की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कार्यप्रणाली के विस्तार से रूपरेखा निर्मित की जाती है, जिसके आधार पर संपूर्ण सत्र के लिए वार्षिक, मासिक एवं दैनिक योजना का निर्माण किया जाता है। अगला जो प्रमुख कार्य आता है प्रबंधन का वो है संगठन। विद्यालय प्रबंधन में योजना के आधार पर नियमित एवं व्यवस्थित किए गए सभी आवश्यक भौतिक और मानवीय संसाधनों को गठित या एकत्रित किया जाता है। सभी स्तरों और श्रेणियों के अधिकारियों की नियुक्ति करना एवं भवन, कक्षा कक्ष तथा अधिगम संबंधित व्यवस्थाओं का संगठन किया जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मिलकर ही प्रबंध का कार्य करते हैं। क्योंकि जहाँ पर हमने जो चीज़ें हमें इनकी आवश्यकता पड़ रही है वो सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर हमें करना होता है, उनकी नियुक्ति करनी होती है। विद्यालय के लिए हमें भवन की आवश्यकता है, कक्षा कक्ष चाहिए, कक्षा कक्ष में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जो हमारा शिक्षण अधिगम एक प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब का संगठन किया जाता है। अगला प्रमुख कार्य जो आता है वो है संचालन। प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है संचालन। विद्यालय में सभी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आवश्यक क्रियाओं और गतिविधियों की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, अध्यापक छात्रों की अंत्यक्रिया सहित सभी अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो भी विद्यालय है, जहाँ जो भी संचालन है, उन संचालन में सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना, जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं उनके मध्य जो भी अंत्यक्रिया होगी उसके लिए एक व्यवस्था करने की ज़रूरत है,
उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हम सारी जो भी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को मुहैया कराएं। इसलिए संचालन जो प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, समन्वय स्थापित करना किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी प्रबंधन को बहुत आवश्यक है कि वो समन्वय स्थापित करे। वो विभिन्न लोगों के बीच में जो समन्वय है, जो भी जितने भी अंग हैं किसी भी विद्यालय संगठन के, उसमें प्रधानाचार्य हुआ, शिक्षक हैं या गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस समन्वय के आधार पर ही प्रशासनिक अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित कर विद्यालय के लिए सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, तथा अध्यापकों से भी सक्रिय सहयोग प्राप्ति हेतु संपर्क बनाए जाते हैं। क्योंकि आज जो समय है, उस समय में समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दो ग्रुप हैं, दो लोग हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, विद्यार्थी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, बहुत ज़रूरी है कि प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि समन्वय स्थापित करें और इन सभी जितने भी अंग हैं किसी भी विद्यालय संगठन के, उन सब में एक अच्छा संगठन समन्वय स्थापित हो। और जब अच्छा समन्वय स्थापित होगा तो निश्चित रूप से वो संस्था, वो प्रबंधन प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अभिप्रेरणा, अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय कहलाता है, उसका हार्ट है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है। बिना अभिप्रेरणा के किसी भी कार्य को करना बड़ा दूभर होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और जब अभिप्रेरणा आपको अंदर से आती है किसी चीज़ को कार्य करने के लिए, तो वो निश्चित रूप से आप उस कार्य को और मनोयोग के साथ करते हैं, उसको और बेहतर तरीके से करते हैं। और ये जो अभिप्रेरणा है, ये अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। इसके सभी भागों में कार्यरत कर्मचारियों, छात्रों और शिक्षकों को उचित कार्यविधि से में संलग्न रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंधन का। क्योंकि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से नियंत्रण बहुत आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य कार्य संपूर्ण व्यवस्था पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को सभी पूरे विद्यालय के ऊपर एक नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि यदि नियंत्रण नहीं होगा, सब लोग अपने हिसाब से कार्य करेंगे, और जब अपने हिसाब से कार्य करेंगे तो हर व्यक्ति अपने जो उसको आसान लगेगा वो कार्य करेगा, और जब वो आसानी के कार्य करेगा, जो कार्य ज़रूरी है वो नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से संस्था को आगे ले जाने में, विद्यालय प्रबंधन को आगे ले जाने में प्रबंधन को निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी। इसलिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य कार्य संपूर्ण व्यवस्था पर नियंत्रण रखना है। इसमें समूची प्रणाली में अनावश्यक समस्याओं को नियंत्रित कर कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाता है। प्रबंधन के सहायक कार्य, अभी तक हमने बात की प्रबंधन के मुख्य कार्यों की, अब हम बात करते हैं सहायक कार्यों की। प्रबंधन के सहायक कार्यों में संप्रेषण, जैसा हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण बड़ा आवश्यक है। अगर हम अच्छे तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, अपनी बात को दूसरे से नहीं कह पाते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो समस्याएं सभी हमारे सामने आती हैं। और एक प्रभावी संप्रेषण जो है, वो प्रबंधन को सरल बनाता है। संप्रेषण द्वारा संपूर्ण व्यवस्था में सभी भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के बीच में संपर्क स्थापित किया जाता है। नवाचार, इनोवेशंस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्रबंधन के लिए। विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए समय समय पर विकसित तकनीक का उत्तम प्रयोग करने से संगठन में नवीनता लाई जा सकती है। प्रबंधन के द्वारा शोध कार्य को प्रोत्साहित कर यह कार्य किया जा सकता है। निर्णय एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण सहायक कार्य है प्रबंधन का, निर्णय लेना। क्योंकि हम सभी जानते हैं निर्णय लेना एक बौद्धिक कार्य है, और निर्णय लेना केवल यही नहीं है कि निर्णय ही ले लिया जाए, निर्णय उचित निर्णय लिया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रबंधन द्वारा निर्णय लेना एक बौद्धिक कार्य है, सही समय पर सही निर्णय लिया जाना चाहिए। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह काफ़ी आवश्यक है। प्रतिनिधित्व, विद्यालय प्रबंधन का यह कार्य भी काफ़ी आवश्यक है, जिसके द्वारा कार्यरत सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रधानाचार्य में नेतृत्व या प्रतिनिधित्व की योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि जब ये एक छोटे छोटे से ग्रुप हैं, कर्मचारी, शिक्षक, प्रधानाचार्य, इनमें अगर प्रतिनिधित्व की योग्यता नहीं होगी, तो ये किसी भी कार्य को करने के लिए इनको हर समय एक ना एक व्यक्ति इनको चाहिए होगा जो इनको मदद करता रहे, ताकि ये कार्य करते रहें। इसलिए इनमें प्रतिनिधित्व की योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा संपूर्ण व्यवस्था को एक सही दिशा की ओर मार्गदर्शित किया जा सके। तो आज हमने जो बात की, वो हमने पढ़ा प्रबंधन के नियम, प्रबंधन के कार्य, जिन कार्यों में हमने पढ़ा, हमने डिस्कस किया, हमने चर्चा की मुख्य कार्यों की और सहायक कार्यों की।
तो हमें आशा है कि आपने आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ आई होंगी, और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।